हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नर्मदा के नाम राजनीति कर रही कांग्रेस, सांसद ने प्रेस वार्ता कर लगाया आरोप। सांसद देवजी पटेल ने सांसद कार्यालय में सोमवार दिन को प्रेस वार्ता का आयोजन कर नर्मदा के मुद्दे पर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नर्मदा के पानी के नाम पर कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। सांसद ने कहा कि नर्मदा में छोड़ा गया 500 क्यूसेक पानी है जो सिंचाई के बजाय पेयजल के रूप में उपलब्ध रहेगा, जबकि सिंचाई के लिए इस सीजन में पानी देने का कोई प्रावधान भी नहीं है। कांग्रेस नेता भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, उसके बावजूद लोगों को सिंचाई के पानी के नाम पर गुमराह कर राजनीति कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि नर्मदा सांचौर और पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा है, जिसके सहारे सांचौर की अर्थव्यवस्था टिकी है, जिसके बावजूद स्थानीय कांग्रेसी नेता राजनीति कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। कल जो ब्रेकडाउन हुई, उस ब्रेकडाउन के दौरान लाखों लीटर पानी जो व्यर्थ में चला गया, ठेकेदार के ऊपर हमने जांच भी निकाल दी और ठेकेदार पे कार्रवाई करने के आदेश भी जारी कर दिए। उसके साथ साथ में उदयपुर में जो गुणवत्ता नियंत्रक जो कार्यालय है, वहाँ के अधिशासी अभियंता को 3 सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने का ऑर्डर भी हमने इश्यू करवा दिया। सांचौर लिफ्ट वित्रिका के जो एक्शियन है वासुदेव चारण, उनके खिलाफ चौकस नोटिस भी इश्यू कर दिया क्यों ये टूटी और उनके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए, कारण बताओ नोटिस भी उनको इश्यू कर दिया। उसके साथ साथ में इसमें ये भी हमने कह दिया है कि जितनी भी बाकी के जो भी रिपेयर कार्य हुए हैं उनको भी हम थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाएंगे, ताकि अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ मिली है तो तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर कार्रवाई होगी और कार्रवाई करके उनको ब्लैकलिस्ट में भी डालने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा 48 आवर्स में इनको हमने निर्देशित कर दिया है कि 48 घंटे के अंदर लिफ्ट वित्रिका वापस रिपेयर होके उसमें पानी हम अगले जो गुरुवार, जो हर वीक में हम पानी देते हैं, उस गुरुवार को हम वापस पानी शुरू कर देंगे। अभी जो असुविधा हुई है उसके लिए जरूर सरकार की तरफ से भी इनको पाबंद किया गया है कि ऐसी कभी असुविधा ना हो। नहर क्षतिग्रस्त की पूर्ण रिपोर्ट भी ले ली है, जिसके अंदर यहाँ के जो अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है, पुराना जॉइंट और नया जॉइंट दोनों के बीच में से, जो पुराना जॉइंट था उसके बीच में से निकला है पानी और वो जॉइंट डैमेज होने के कारण ये पानी नहर में से एक हिस्सा जो था वो हिस्सा निकल गया। मैंने अभी पिछले कुछ दिनों से सुना है कुछ लोग पॉलिटिकल स्टंट, मैं इसको पॉलिटिकल स्टंट कहूंगा, के लिए कार्य कर रहे हैं जो कि गलत है। सही मायने में नर्मदा नहर जो है उसमें ड्रिप इरिगेशन से, स्प्रिंकल से हमें खेती करनी है, सिंचाई करनी है। ये भारतीय जनता पार्टी और सामान्य वसुंधरा जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसको उन्होंने ही शुरू करवाया था। कुछ मेरे जो मित्र है जो इसके बारे में कई बार चर्चा करते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर आप राजनीति ना करें। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।